हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुख्यात तस्कर राणा को कड़ी सुरक्षा में चित्तौड़ से सिरोही न्यायालय में पेश किया। वर्ष 2011 में जालौर में रात को 13 अन्य साथियों के साथ जेल तोड़कर फरार होने वाले आरोपी कमल सिंह राणा को चित्तौड़गढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में तस्करी लिप्त है। सिरोही न्यायालय में पेश करने के लिए चित्तौड़गढ़ पुलिस 2 दर्जन QRT कमांडो की सुरक्षा के बीच लेकर पहुंची। एक बस में ही कमांडो ही सुरक्षा में लगे हुए थे। चित्तौड़गढ़ से सिरोही पहुंचने के बीच में हर थाना पुलिस ने एस्कॉर्टिंग की। जालौर जेल तोड़कर 2011 में फरार हुए 14 आरोपियों में से कमल राणा मुख्य आरोपी था। 11 आरोपियों को जालौर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। कमल को चित्तौड़गढ़ पुलिस 5 सितंबर 2011 को तेज बारिश के कारण सिरोही जिले के पालड़ी एम थानांतर्गत पोसालिया की सुखड़ी नदी कार में सवार दोनों आरोपी पोसालिया के पास छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 95 किलोग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ। इसको पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों की सघन तलाशी शुरू की। बरलूट, पाली एम, शिवगंज समेत 5 थानों की पुलिस ने कैलाश नगर आसपास की पहाड़ियों में तलाशी की। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद पहाड़ियों में से कुख्यात कमल सिंह राणा उसके साथी रामचंद्र को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान भी आरोपी कमल राणा ने एक सिपाही पर पिस्तौल दान दी थी, लेकिन दूसरे सिपाही ने तत्परता दिखाते हुए कमल को दबोच लिया था। ये पूरा मामला सिरोही न्यायालय में चल रहा था। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।